बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। फोर क्लास आज हम करेंगे चैप्टर नंबर थ्री स्टार्ट। चैप्टर नंबर थ्री जो है वो है फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शंस है क्या, फ्रैक्शंस में किस तरह हमने, हमारे पास जो फ्रैक्शंस होंगी उनमें हमने कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं और फिर हमने उन्हें सिंप्लीफाई करना है। इस चैप्टर में हम फ्रैक्शंस के मुतालिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फ्रैक्शंस है क्या। फ्रैक्शन जो है उसके लिए उन्होंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ होल। कहते हैं फ्रैक्शन जो है ये नंबर्स के, इस तरह से हम किसी हिस्से को कहते हैं, इट हैज़ टू पार्ट्स, जिसके दो हिस्से होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2/7, जी जैसे उन्होंने बताया यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल 2/7, जी 2 हमारे पास, फिर इन 2 पार्ट्स जो हमारे पास हैं, दो हिस्से जो हैं इनके नाम भी हैं हमारे पास, जैसे कि 2/7 है, 2 हमारे पास जो है ये न्यूमिनेटर है और इसके बाद 7 जो है ये क्या है, डिनोमिनेटर है। जी ये थी हमारे पास फ्रैक्शन, इसकी आपने डेफिनेशन जो है ये याद कर लेनी है जी, और एग्ज़ाम्पल के लिए आपने इसे तैयार करना है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लाइक फ्रैक्शंस की, कि लाइक फ्रैक्शंस कौन सी हैं। लाइक फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर, कहते लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जो कि सेम डिनोमिनेटर रखती हैं। जैसे कि ये देखें 1/8, 6/8, 7/8, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल के लिए उन्होंने हमें यहाँ पे राइट किए हैं 1/8, 6/8, 7/8। अब ये देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सबके क्या हैं, फोर क्लास सेम है। जैसे कि यहाँ पे भी 8 है यूज़ हो रहा है डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो हम कह सकते हैं ये कौन सी फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं जी। फिर ये लाइक क्यों फ्रैक्शंस हैं, बिकॉज दे ऑल हैव द सेम डिनोमिनेटर 8, क्योंकि इन सबका डिनोमिनेटर क्या है, 8 है, इस वजह से। अब लाइक फ्रैक्शन जो है इसकी डेफिनेशन भी आपने अच्छे से तैयार करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एग्ज़ाम्पल्स हैं इसकी, ये आपने वहाँ पे राइट कर लेनी है जो आपको होमवर्क में बताया जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आएँ। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं यहाँ से 3A, जी 3A में मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें है, सर्कल द सेट्स ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। कहते हैं उन सर्कल करें उन सेट्स को जो कि लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस मीन, अभी मैंने बताया है जिनके डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम हैं। जैसे कि 3/12, 5/12, तो हम क्या करेंगे, इन्हें हम सर्कल कर देंगे इस तरह से जी। जी फोर क्लास, जिस तरह मैंने एक आपको बताया है, सेम आपने आप बाकी इसके तीनों पार्ट्स ऐसे करने हैं, जो सेम, जिनके सेम डिनोमिनेटर होंगे ना, उन्हें आपने सर्कल करना है। जैसे मैंने 3/12, 5/12 को सर्कल किया है, इसी तरह आपने नेक्स्ट 9/20 और 16/20 को आपने सर्कल करना है। लेकिन ये आपने खुद तीनों पार्ट्स आपने एज आ होमवर्क करना है बुक पे ही। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, राइट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रैक्शंस आर लाइक आर अनलाइक। जी अब देखिए बात फिर दोबारा से वही हो गई है कि जिन कहते हैं कि सेपरेट यहाँ पे जो है वो आप उन फ्रैक्शन जो हमारे पास गिवन है यहाँ पे उनके साथ राइट करें, कि अगर तो वो जो है वो उनके डिनोमिनेटर सेम है तो वहाँ पे राइट करें लाइक फ्रैक्शंस, और अगर उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आपने वहाँ पे लिखना है अनलाइक। तो अब ये देखें, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है 3/12, 5/12, तो स्टूडेंट्स जी ज़रा बताएं ना मुझे कि ये लाइक है कि अनलाइक है। तो आपके जहन, आप सही सोच रहे हो, इनके डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या है, लाइक। तो आपने यहाँ पे राइट कर देना है लाइक जी। अब इसी तरह इसके साथ ही ये ऑप्शन देखें, 6/15, 8/14, अब ये देखें सेम इनके डिनोमिनेटर नहीं है, आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे, अनलाइक। जिनके डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम होंगे उन्हें आपने कहना है लाइक, जिनके डिफरेंट होंगे उन्हें आपने अनलाइक कहना है। इसी तरह से बाकी इसके 4 पार्ट्स आपने खुद करने हैं फोर क्लास, और बहुत इजी है। बाकी जो है इसकी डायरी ज़रा देखें, इंशाल्लाह बाकी आपको कल करवाया जाएगा। डायरी देखें, डायरी क्वेश्चन नंबर 4 और 5, होमवर्क ऑन बुक, ये आपने बुक पर ही काम करना है। प्लस 2 डिफाइंस लर्न, जो डेफिनेशन आपको 2 करवाई हैं लाइक फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शन जो है, ये दोनों आपने लर्न करनी है अच्छे से, और बाकी ये आपने होमवर्क बुक पे ही करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।